नमस्कार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके चाहने वाले उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। लता दीदी के निधन से पूरे देश को झटका लगा है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियों ने लता दीदी के निधन पर दुख जताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी लता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। ऐश के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं कई लोग ऐश्वर्या को लेट पोस्ट करने के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले शाहरुख खान को भी उनकी शोक सभा में दुआ पढ़कर फूंकने पर ट्रोल किया गया था। अब लोगों ने ऐश्वर्या को निशाने पर ले लिया है। ऐश सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। उन्होंने 7 फरवरी की रात इंस्टा पर लिखा, शब्द नहीं है, आपकी दिव्य आत्मा को शांति मिले। लता जी, ईश्वर कृपा करे, आपकी और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हूं। ऐश्वर्या के इस पोस्ट पर कई लोगों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कई लोगों ने लेट पोस्ट करने पर उन्हें ट्रोल किया। जैसे एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आपको शुक्र है याद तो आया। एक और यूजर ने लिखा, अब क्या रखा है, कब की चली गई वो, तो अब तुम इनको याद कर रहे हो, कैसी दुनिया है ये। एक और यूजर ने लिखा, हद है इतना लेट। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, सो फास्ट यू आर ऐश्वर्या। तो देखा आपने, लोग ऐश्वर्या को लेट ट्वीट करने की वजह से किस कदर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें, दुख की इस घड़ी में भी लोग सेलेब्स की ट्रोलिंग से बाज नहीं आ रहे। ऐश से पहले शाहरुख खान के लिए भी सोशल मीडिया पर काफी नेगेटिव बातें लिखी गई। वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने दुआ पढ़कर फूंक मारी तो उन्हें ये कहकर ट्रोल किया गया कि वो थूक रही है। वहीं दिव्यांका त्रिपाठी ने ट्रोल करने वालों को पलटकर सबक भी सिखाया। दिव्यांका के श्रद्धांजलि ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा था, कहां से कॉपी किया है, और अब लोग ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे पड़ गए हैं। बताते चले, कई बड़ी हस्तियों ने लता जी के अंतिम दर्शन किए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें शाहरुख से लेकर आमिर खान, अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार्स शामिल।